वो देख रहे हो, अगर पैर एक स्टार्ट करके बढ़ाई जाए। चलो धक्का देता हूँ। ये डोमिनो 250 फर्स्ट बाइक है। तो चाय पराठा खाने के बाद अब हम लोग निकल रहे हैं। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया, अगर एक्चुअली कहीं पे भी ब्रेक के लिए रुकते हैं तो टाइम लग ही जाता है। सच पास अब यहाँ से बैरागढ़ से 30 किलोमीटर के लिए अगर आप लोग आते हैं तो बैरागढ़ पे रुक सकते हैं। छोटा सा गांव है बैरागढ़, यहाँ के लिए बसें भी आती हैं चंबा से। अगर आप कभी बाइक से ना आके, अपने व्हीकल से ना आके, पब्लिक कन्वेंस से भी आते हैं तो बैरागढ़ तक आपको बसें मिल जाएंगी। बसें यहाँ तक के लिए आती हैं। सच पास एंट्री करा लो। तो यहाँ पर सच पास जाने के लिए एंट्री होगी। ये थी बैरागढ़ चेक पोस्ट। यहाँ से आपको बैरागढ़ पे जहाँ पे हमने चाय पी थी, वहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की डिस्टेंस पे, यहाँ से आपको तभी जाने देंगे जब सच पास खुला होगा। और सच पास अभी खुला हुआ है। वो बोल रहे थे कि सच पास बंद हो जाता है अक्टूबर में, बट अभी मौसम साफ है इसलिए जाने दे रहे हैं। और भाई साहब यहाँ पे राइड करने का ना अलग ही एडवेंचर है। कहा जाता है ना कि सच पास मोस्ट डेडलीस्ट रोड है, वो इसी सब की वजह से। आप देखेंगे हजारों फुट गहरी खाई है बगल में, एक छोटी गलती और कुछ भी हो सकता है। अच्छा हाँ, मैंने आपको जहाँ पे पराठा खा रहा था वहाँ पे मैंने आपको बोला था कि सच पास आने की कहानी भी बताऊँगा, तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ आने की स्टोरी क्या है। मैं और कैब भाई प्लान कर रहे थे मनाली होते हुए अटल टनल और स्पीति जाने का, फिर हमें पता चला कि स्पीति तो अभी बंद है। कैब भाई ने बोला कि चलो सच पास चलते हैं, पर सच पास की मोस्ट डेडलीस्ट रोड भी थी। तो हमने कहा यार इससे अच्छा एडवेंचर क्या हो सकता है कि हम फर्स्ट राइड अपनी डोमिनार पे करें, और वो भी ऐसी जगह की जहाँ पे लोग कई कई बार आने के लिए सोचते हैं और आ नहीं पाते हैं। तो इसी वजह से प्लान किया कि यार सच पास करेंगे अब चाहे जो हो जाए, और निकल पड़े सच पास के लिए। असली ऑफ रोडिंग अब स्टार्ट हो चुकी है। व्यू बहुत अच्छा आ रहा है और धूप निकली है उसकी वजह से अपने को क्या है, ठंड नहीं लग रही। इवन मैं तो ये कहूँगा कि जो ठंड हमें चंबा में लग रही थी, चंबा से भी कम ठंड लग रही है। कल रात को 12-1 बजे करीब चंबा में काफ़ी ठंड थी, उसी समय मैंने टेम्परेचर देखा था सच पास का, और सच पास का टेम्परेचर उस समय था 1°C। ये रोड यही है, एक कोई रोड है, कोई रोड नहीं है। ठीक, थैंक यू भैया। ये व्यू देखो यार, पत्ते येलो येलो, ऑरेंज ऑरेंज, क्या गजब का व्यू बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए क्या मस्त वाटरफॉल है, रोड के नीचे से गिर रहा है। ये होता है सबसे खूबसूरत पानी और ब्यूटीफुल नज़ारा है भाई। 20 मिनट हो गए ऑफ रोडिंग करते करते, कंटिन्यू ऐसी ही रोड मिल रही है। ये देखो यार यहाँ से बस कैसे निकलती होगी। तो ये है पीछे, आपने देखा होगा कितनी ख़तरनाक रोड है। और काफ़ी कुछ मैंने शूट नहीं किया क्योंकि 15 से 20 किलोमीटर की बहुत ज़्यादा ऑफ रोडिंग थी। देख लो कितना स्कैरी, अगर कोई कॉर्नर पे जाए तो कोई भरोसा नहीं है बाइक कहाँ जाएगी। अभी तो खैर मंजिल पे नहीं पहुँचे, मंजिल का नज़ारा तो देखें कुछ और ही होगा, फिलहाल तो जर्नी को ही इंजॉय कर रहे हैं।
अभी तक ऑफ रोडिंग ख़त्म नहीं हुई है यार, बहुत टाइम हो गया। ये देखिए यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुई होगी और इसकी वजह से क्या पेड़ वगैरह भी गिरे, तो वो सब पेड़ कटिंग की गई है। और अगर इस तरह कभी लैंडस्लाइड हो जाती है तो कई कई दिनों के लिए रास्ता मुझे लग रहा बंद कर देते होंगे ये लोग, तो क्योंकि इसको साफ़ करना तुरंत का काम नहीं है। क्या व्यू आ रहा है यार, क्या व्यू है देखो, सच में यार क्रेजी यार, इट्स क्रेजी। फाइनली हम धीरे 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 मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और कंटिन्यू फुल इसी तरह की रोड मिली है। अब तो कोई डाउट भी नहीं रह गया है कि मोस्ट स्कैरी और डेडलीस्ट क्यों कहते हैं इसे। नज़ारे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं है यार, अब तो आप देख ही रहे होंगे कंटिन्यू। और भाई डोमिनार ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। कानपुर से राइड शुरू की थी, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 127 तक लेके गया था, एकदम रोड से सेट होके चल रही थी बिना किसी वाइब्रेशन के, वहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद अगर यहाँ की बात करें, हिल्स की बात करें, कल रात में 90 किलोमीटर हिल पे राइड की थी शाम के 5-6 बजे के बाद, वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका लगा। और अभी तो आप देख ही रहे हो यार, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छी बाइक है इस सेगमेंट में, एवरेज भी अच्छा देगी, सिटी में भी यूज़ कर सकते हो, एक हैवी पावरफुल बाइक आपके पास रहेगी और इस तरह की रोड और एरियाज के लिए तो फिर है ही बढ़िया। क्योंकि अगर ज़्यादा पावरफुल हो जाती तो आपको सिटी में, स्पेशली हमारे यहाँ तो जाम भी बहुत लगते हैं, तो वहाँ पर चलाने में प्रॉब्लम आएगी। और इसको आप सिटी, ऑफ रोडिंग, टूरिंग कहीं भी यूज़ करो यार। थम्स अप टू बजाज डोमिनार 250। ये देखिए दो पहाड़ टूट चुके हैं, उनके बीच से काट के रोड बनाई गई है। इससे ज़्यादा एडवेंचरस क्या चाहिए। ये देखिए पीछे अभी एक वाटरफॉल मिला था, पूरा आइस से कवर्ड था, और ये फ्रेश स्नो। डेफिनेटली मैंने आपको पहले भी बोला था कि ये सारी रोड स्नो से कवर हो जाती है, और ये जो स्नो है देख के लग रहा है ये कल रात की है, क्योंकि थोड़ी बहुत सूख गई है और कम स्नोफॉल हुआ है, बट हुआ है। ये देखो फ्रेश स्नो है, दो ही चार दिन सस पास ओपन है, उसके बाद ये सब बंद हो जाएगा, क्योंकि ये रोड में निकलना पॉसिबल नहीं हो पाता, इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है। लुक एट दिस व्यू, यहाँ देख के लग रहा है कि लैंडस्लाइड हुई है, उसी के पत्थर वहाँ पे पड़े हुए हैं और जैसे तैसे रोड बनाई गई है। मे बी यहाँ की रोड गवर्नमेंट इसलिए भी नहीं बनवाती होगी कि यार आज बनाई कल लैंडस्लाइड हो जाएगी। तो ये देखो यार क्या बढ़िया वाटरफॉल था, और इससे भी खूबसूरत आगे वाला है, और स्नो भी पड़ी हुई है, समझ रहे हो भैया। सचपास कितनी दूर है यहाँ से? 15-20 किलोमीटर। रोडिंग करते करते सोच रहे थे कि अब ख़त्म होगी, अब ख़त्म होगी, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते, और अभी जहाँ पे हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया था वहाँ से 30 किलोमीटर था, और इन्होंने अभी बताया कि अभी और 15 किलोमीटर है। ब्यूटी देखो यार, ये देखो,
अगर सच पास 14,428 है तो अपन 14,000 फीट की ऊंचाई पे आ ही चुके हैं। जब से चले हैं पराठे खाने के बाद तब से कंटिन्यू यही रोड मिल रही है, ऐसी ही मिल रही है। आइस मेल्ट होके थोड़ी स्लिपरी भी हो जा रही है। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू द हाईएस्ट पॉइंट। यहाँ पे देखिए आइस प्लस रोड की कंडीशन, ओए ओए स्लिप कर रही है बाइक। इधर ले लेता हूँ सूखा। इधर यहाँ पर आइस जो है ज़्यादा है और यहाँ पर स्लिप होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसलिए बहुत केयरफुल चलानी पड़ेगी। बॉडी में तो ठंड बिल्कुल नहीं लग रही, में भी सनलाइट प्रॉपर है, धूप निकली हुई है, इस वजह से ना लग रही हो, या फिर हम लोगों ने कपड़े भी प्रॉपर ठीक ठाक पहन रखे हैं तो इस वजह से भी हो सकता है, बट बिल्कुल ठंड नहीं लग रही है। ऊपर टेम्परेचर क्या हो रहा है ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, इन केस अगर नेटवर्क काम किया तो, क्योंकि अभी मैंने रुक के एक जगह देखा था नेटवर्क बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। जो रोड गीली हो रखी है सिर्फ आइस की वजह से, तो जो आइस पड़ी थी, वरना ये रोड भी ऐसी होती कि आप फास्ट चला सकते थे। चलो चलते हैं, ये नीचे ना धस जाए। इधर इधर हैंडल मुड़ाओ, इधर अपनी तरफ, इधर इधर, हाँ हाँ हाँ, एक स्टार्ट करके बढ़ाई जाए। चलो धक्का देता हूँ। आराम से धीरे धीरे चलो और बढ़ाओ, निकल जाएगी। हाँ चलो 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 चलो, पीछे लो हल्की सी, अब गियर में डाल के लो, चलो 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 चलो, बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाओ। आपने सच पास तक ही जाना, उससे आगे जाना सच पास, हाँ वही, कोई दिक्कत नहीं है, बर्फ है पर आपको रोड ऐसा मिल जाएगा आगे। आप लोग कहाँ से आए? नीचे कहाँ से आए थे? नहीं नहीं, हम इधर से ही आए, सलूनी से आए थे ना, गाड़ी लगाई हमने, हमने भी यहाँ तक उतारी ना। हाँ। फिर हमने कहा नहीं आगे रिस्की है, वापस लानी मुश्किल हो जाएगी। आप कहाँ से आए? ओए अब गिर गए, देख लो उराजो। उराजो क्या करेगा, ये देख रहे हो ये। वैसे निकल, इधर से भी जाएगी, निकालो निकालो, धक्का देते रहना। वन टू थ्री चलो, और दो धक्का। हाँ हो रहा है, मेरा भी था, मेरा भी बहुत हो रहा है, यही चीज ना मुझे पहले कर लेनी चाहिए, क्यों? हाँ अभी हम लोग की फाइनली दोनों बाइकें निकल गई हैं और इन भैया का फ़ोन खो गया, इन्होंने बोला सच पास पे अगर फ़ोन मिलता है तो हम फ़ोन कर देंगे, हमने इन्हें अपना नंबर दे दिया, इनके समय मिलता है तो हम इन्हें फ़ोन कर देंगे। ऐसा ही एक और है पैच, ऐसे ही है। बाकी यहाँ का व्यू देख लो यार, क्या मस्त है, देख रहे हो। पैदल बोला है 30 मिनट्स की डिस्टेंस है और बाइक से कुछ मिनट लगेंगे, 10 भी लग सकते हैं, 15 भी। तो चलिए चलते हैं आगे और दिखाते हैं आपको सच पास।
अब यहाँ से चल दिए हम लोग और बाइक निकाल ली थी, 2 मिनट का रेस्ट लिया है। बहुत ज़्यादा बचा के और संभाल के चलानी पड़ेगी, क्योंकि इससे पहले जो ऑफ रोडिंग हमने की है वो ड्राई रोड था, बट यहाँ पर स्नो है, पानी है, स्नो मेल्ट होके उसका पानी आ गया रोड पे, इसकी वजह से स्लिप कर रही है बाइक। तो स्लोली स्लोली चलते हैं, थोड़ा सा बचा है, पैदल अगर आधे घंटे की रास्ता है तो बाइक से 15 मिनट लग जाएंगे मैक्सिमम अगर सही चले तो, इसलिए स्लोली स्लोली चलते हैं। कैब बना लेते हैं थोड़ा सा, इधर ले लेना, इधर सूखा है, वैसे सीधी भी निकल जाएगी। बहुत ज़्यादा स्लो चलना पड़ेगा क्योंकि स्लिपरी है, ब्लैक आइस है और ये फर्स्ट स्नोफॉल है, जो अभी बताया पीछे कि फर्स्ट स्नोफॉल है इस सीज़न की। जैसा कि पीछे एक लोग मिले थे, उन्होंने बताया था कि यही एक पैच है थोड़ा सा जहाँ पे स्नो है, तो यहाँ पर केयरफुली चलाते हैं और उसके बाद तो देखते हैं क्या है। ओ भाई साहब, ये तो गड़बड़ हो गई, बहुत आराम से चलानी पड़ेगी क्योंकि पानी है, पानी का फ्लो भी काफ़ी तेज है और ये सारा पानी इसी स्नो से मेल्ट होके बन रहा है, क्योंकि पूरे दिन डे लाइट रही है उसकी वजह से मेल्ट हो गई है सारी स्नो। बैटरी एकदम डेड हो चुकी है, बार बार बंद हो जा रहा है और अपने पास टाइम भी नहीं है जो बार बार बैटरी चेंज कर सके। माय गॉड, तो फाइनली भाई वी आर एट 14,500 feet अबव द सी लेवल। वी डिड इट, फाइनली सच पास 14,500 feet। और यहाँ पे है माता का मंदिर, जय माता दी, सच पास माता का मंदिर, बोले बाबा। मजा आ गया, ये व्यू देखो यार, यही पहाड़ियाँ थी जो हम लोग नीचे से देखते हुए आ रहे थे, मैं आपको दिखा रहा था कि व्यू देखो। मेरे पीछे लिखा हुआ सच पास 14,500 feet, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे थे, फाइनली वी आर हियर। क्या इमोशनल मोमेंट है यार, मज़ा आ गया। और व्यू देख लो, और ये है माता का मंदिर। और भाई ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी निकलेंगे यहाँ से, थोड़ी देर रुकेंगे के बाद सच पास पे कुछ फ़ोटो खिंचाते निकलते, मज़ा आ गया यहाँ आके। तो मिलते हैं आपसे बाद में, अगर आपको अब तक का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और एक चीज़ मैं आपसे बोलना भूल गया था, ये डोमिनो 250 फर्स्ट बाइक है सच पास पे आने वाली, इसके बाद आ सकती है, लेकिन ये पहली बाइक है क्योंकि फैम में लगा था लॉकडाउन, उसके बाद उस समय ये लॉन्च हुई थी और उसके बाद लॉकडाउन अब खुला, 10-12 दिन हुए। चलो सच पास बाय बाय। सच पास करने से ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है फर्स्ट डोमिनो 250 रीच सच पास। और यहाँ पर मैं ये आपको नहीं दिखा पाया था, रीज़न क्या है कि बैटरी ड्रेन हो गई थी। यहाँ हाई अल्टीट्यूड पे जितनी बैटरी
ट्रेन होगी, क्योंकि हाई अल्टीट्यूड है, ठंड है, तो ट्रेन तो अपने आप होती है। अभी भी हमारी बैटरी चार्ज नहीं है, जो थोड़ी बहुत चार्ज हुई है मैं उसमें ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, कभी भी बंद हो जाएगा। ये पार्ट मैं आपको दिखा नहीं पाया था, बहुत डिफ़िकल्टी हमने फेस करी थी और आगे बहुत ख़तरनाक पैच था, कंप्लीट ब्लैक आइस थी जहाँ पे बाइक चलाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और ये एकदम फ्रेश स्नो है, अरे यार इस व्यू को देख लो यार, आपके लिए फ्रॉम सचपास। इस व्यू के लिए हम आए थे, ज़्यादा देर नहीं रुके, आधे घंटे रुके होंगे, कुछ फ़ोटो क्लिक कराए। हमें नहीं पता हम कितना चल पाएंगे सनलाइट में, बट प्लान ये है कि ये जो टफेस्ट पार्ट है ये अगर सनलाइट में हो गया तो फिर ऑफ रोडिंग जो आपने देखी थी वो थी अप्रॉक्स 30 किलोमीटर की, वो हम, ये ब्लैक आइस है, वो हम नाइट में भी कर लेंगे। का फ्लो देख रहे हो, अगर पैर जमीन में रखा गया, अगर पैर जमीन में रख जाता, वैसे तो खैर अपने राइडिंग बूट हैं पानी नहीं भरेगा, बट फिर भी पानी इतना ठंडा है। जहाँ पे हम लोग ने पराठे खाए थे उसी जगह पे हम लोग वापस आ चुके हैं, 2.5 घंटे लगे यहाँ तक आने में। जो चेक पोस्ट थी जहाँ पे चेकिंग कराई थी वहाँ से एंट्री करा के हम लोग आ गए। अब हमको जाना है अप्रॉक्स 100 किलोमीटर नीचे जाना है चंबा, जहाँ पे हमने होटल लिया है, तो चलते हैं। अब बस यही प्लान है, जल्दी जल्दी चंबा पहुँचे, आज रेस्ट करेंगे और नेक्स्ट ब्लॉग में आपको एक और खूबसूरत डेस्टिनेशन को दिखाएंगे। टाइम हो रहा है 12:01 हो गया और अब हम लोग आ चुके हैं रूम पे। चंबा टू सचपास, सचपास टू चंबा, फुल एंटरटेनमेंट, फुल धमाल, फुल मस्ती करके हम लोग आ चुके हैं वापस। इस राइड में हमें ज़्यादा थकावट नहीं महसूस हो रही, पता नहीं क्यों, मे बी इसलिए क्योंकि बहुत ही एक्सट्रीम रोड थी, एक्सट्रीम राइड थी, इसलिए भी कंप्लीट करने के बाद एक्साइटमेंट ज़्यादा थी, तो हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, थकावट नहीं हुई। भाई साहब आज जो हमने किया है वो आदमी 2-2 साल प्लान करता उसके बाद भी नहीं कर पाता, इस वजह से नहीं कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, इस वजह से कि उनको रोड कभी ओपन रूट मिलेगा कभी नहीं मिलता है। बट हम लोग लकली, हम लोगों को मतलब 8 नवंबर में सचपास का रूट खुला मिला, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी लक की बात है, अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए। और नॉर्मली अक्टूबर में ये रूट बंद हो जाता, 15 अक्टूबर को बंद हो जाता, 15 अक्टूबर के बाद जैसे पुलिस वाले बोले थे वहाँ चेक पॉइंट पे कि अब जो है अगर मतलब मौसम साफ है इस वजह से हम आपको जाने दे रहे हैं, वरना जाने ना देते 15 अक्टूबर को रूट बंद हो जाता। तो आप 15 अक्टूबर ही मान के चलिएगा कि 15 अक्टूबर तक ही टाइम है सचपास करने। और अगर आप लोग अपनी बाइक या कार उससे नहीं भी आते तो भी यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलता है, चंबा से आपको डायरेक्ट सचपास ले जा सकते। ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने सोचा ब्लॉग एंड करने से पहले आपको जरूर दे दूँ। नेक्स्ट ब्लॉग के लिए एक अच्छी डेस्टिनेशन हमने प्लान कर रखी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।